हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो हमने बनाई थी 18 वन प्लस 8T पे, तो आज हम 8T प्रो पे बनाएंगे। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन पर को प्रेस करें। इससे पहले मैंने सैमसंग की नोट सीरीज़ पर बनाई है, फिर इन्फिनिक्स की नोट सीरीज़ पर बनाई है, उसके बाद फिर मैंने इन्फिनिक्स की नोट ज़ीरो सीरीज़ पर बनाई है। जो इंटरेस्टेड हैं हमारी वीडियोज़ में वो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये प्रो वर्जन आ गया जी वट मोबाइल पे, तो आए देखते हैं इसका रिव्यू। इसमें वो मतलब मार्केट में वो अपना किस तरह मतलब वो अपने इस फ़ोन को लेते हैं वन प्लस वाले खुद। इसमें व्हाट्स न्यू पे आ जाएं, वन प्लस 8 प्रो आर न्यू स्मार्टफोन ऑफ दी कंपनी विद इम्पोर्टेंट फीचर। तो वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, तो आप हम देखते हैं कौन कौन से इसमें वो जो ये क्लेम करते हैं कि इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तो वो कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से फीचर्स हैं। देखते हैं, कंपेरिजन करते हैं इसका लास्ट जो हमने वीडियो बनाई है उसके मुकाबले में। तो बिल्ड क्वालिटी है जी, एंड्रॉयड 10.0 OS लगा हुआ है जी इसमें। UI ऑक्सीजन OS 10 लगा हुआ है, पिछले में वो हाइड्रोजन लगाया था, इसमें ऑक्सीजन लगाया है, तो कोई चेंजिंग नहीं है। मतलब यही चेंजिंग है कि उसमें हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन लगाया हुआ है उन्होंने। तो डायमेंशन में आ जाएं जी, इसमें 165.3x है जी, 74.4x 8.5 mm है जी। इसका वेट है जी 199 ग्राम। तो ये उस पिछली डिवाइस से तो काफ़ी हल्की है, तो इसमें वज़न भी कम किया गया है। इसमें सिम में आ जाए, सिम में डुअल है जी, डुअल सिम है इसमें, डुअल स्टैंडर्ड बाय नैनो सिम है, इसमें नैनो सिम डलती है और डुअल सिम है ये जी फ़ोन। तो ये देखें डुअल सिम है। कलर में आ जाए जी, इसमें ग्लेशियर ग्रीन है जी, इसमें ब्लू है जी और इसमें ब्लैक है। तो इसमें ग्रीन वाला वेरिएंट बहुत क्लास का है, मैंने आई थिंक मैंने यूज़ किया है उसे, तो काफ़ी तगड़ा मतलब लुक देता है वो ग्रीन कलर में। तो इसमें जी ये 5G सपोर्टेड है, तो आपको पता है मार्केट में आज जितने भी फ़ोन आ रहे हैं तो वो 5G सपोर्टेड है। तो वन प्लस ने भी इसी को आगे रखा होगा कि मतलब ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है जी, काफ़ी बेहतरीन है इस लिहाज से कि 5G सपोर्टेड है। तो आगे जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो 5G हैं। आई थिंक बाकी सारी दुनिया तो अपग्रेड हो चुकी है, 4G 6G 4G 7G पे चली गई है, लेकिन हमारी भी 5G आनी है लेकिन आई नहीं है। तो इन फ्यूचर अगर किसी को मतलब 5G मिले तो ये 5G सपोर्टेड है। प्रोसेसर में आ जाए जी, प्रोसेसर इसका ऑक्टा कोर है जी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। चिप सेट है जी स्नैपड्रैगन 865 है जी और 7nm+ के साथ। तो गेमिंग फ़ोन है, जो लोग पबजी के शौकीन हैं या अदर गेम्स के शौकीन हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन डिवाइस है ये वाली। CPU में आ जाए ऑक्टा कोर, अच्छा हो गया ये। तो डिस्प्ले में आ जाए जी सुपर एमोलेड, इसमें फ्लिट एमोलेड कंपेसिटिव टच स्क्रीन है और मल्टी टच है इसमें। साइज में आ जाए, इसका साइज़ है जी 6.8 इंचेस, जो कि अच्छा साइज़ है। रेजोल्यूशन में आ जाए, इसमें 1440 से लेकर 3161 पिक्सल हैं जी। और प्रोडक्शन में आ जाए, इसमें गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है 5। और इसमें बैटरी में आ जाए जी, इसमें सॉरी मेमोरी में आ जाए 128 GB के साथ 8 GB रैम में ये मिलता है आपको, कार्ड इसमें नहीं होता। तो इसमें एक ही वेरियंट है 128, तो ये इस लिहाज से भी एक। कैमरा में आ जाए जी, 48 MP इसका फ्रंट कैमरा है और बैक कैमरा है जी, उसमें 8 MP के साथ आपको 8 MP एक प्लस 8 MP और प्लस 5 MP आपको तीन कैमरे मिल जाते हैं पीछे। तो सेल्फी है जी 16 MP का फ्रंट कैमरा है विद जायरो, और इसमें जो है आपको हर एक चीज़ मिल जाती है जी। C-टाइप USB पोर्ट है जी, इसमें फिंगरप्रिंट आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाता है, जायरो भी है, मतलब तमाम चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो बैटरी इसकी 4510 mAh बैटरी है, जो कि एक ह्यूज बैटरी है।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।